ये क्वेश्चन दे रखा है कि 4 और 6 और 9, ठीक है, अगर स्टूडेंट्स का क्लास में स्टूडेंट का रेशियो है 4:6:9, 3 क्लासेज हैं एक में, तो तीनों के रेशियो स्टूडेंट का रेशियो 6:9, अगर तीनों में 12 स्टूडेंट्स बढ़ा देते हैं तो रेशियो बन जाता है 7:9:12। अब रेशियो अलग अलग आ रहा है, तो यहाँ पे देखो कितना बढ़ा है, तो यहाँ पे 3 बढ़ा है, यहाँ पे भी 3 बढ़ा है, यहाँ पे भी 3 बढ़ा है, तो अभी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं। तो अब यहाँ पे भी 3 बढ़ा है, यहाँ पे भी 3 बढ़ा है, यहाँ पे भी 3 बढ़ा है, लेकिन बढ़ना कितना चाहिए 12, मतलब हमारा फैक्टर पता चल गया 4। तो अब हमें 4 पता चल गया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो जाएगा, ये हम प्लस कर देंगे, हमारा 15 + 4 = 19 × 4, ये आंसर हो जाएगा, तो ये जाएगा ना 36 स्टूडेंट्स। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि हम यही इक्वेशन करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे पहले एक्स मान लो, तो यहाँ पे 4x स्टूडेंट है, इसमें 12 बढ़ा दिए तो हमारा नया वैल्यू कितना आ गया 7y, इसमें हमने 6x + 12 9y और 9x + 12 12y, तो इसको इक्वेशन सॉल्व करो, तो थोड़ा डिफिकल्ट, काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ईजी दे रखा है। देखो यहाँ पे सब सब 3 3 से बढ़ा है, 3 3 से बढ़ा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है कि सारी क्लासेस में स्टूडेंट कितने से बढ़ा है, 12 से बढ़ा है, मतलब हमारा जो फैक्टर वो आ गया हमारा 4 आ गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं तो हम तीनों का सम करके, या तो 4 4 गुना कर दिया हमने तीनों को, प्लस कर दिया, या हम कैसे करो तीनों का सम कर दो, तीनों का सम कितना आएगा 19 × 4, तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे।